मैं राजेश कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ इमेक्स एजुकेशन फैमिली में। इमेक्स एजुकेशन एक बार फिर आप सभी के लिए लेकर आया एक नया अपडेट। इस अपडेट में हम देखेंगे कि किस तरीके से सेंटर अपना एक एडमिट कार्ड जनरेट कर सकता है और सेंटर एडमिट कार्ड जनरेट करने के बाद में स्टूडेंट्स किस तरीके से उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकता है। तो ये चलते हैं वीडियोस के ऊपर। तो सबसे पहले आप अपने सेंटर्स की आईडी को लॉगिन करेंगे, जो आप वेबसाइट्स पे लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पे सेंटर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते आपके पास में इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद आप स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट के आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में से जिस भी स्टूडेंट्स का आप एडमिट कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं उस स्टूडेंट को आप सिलेक्ट करेंगे। यहां से आप जैसे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में आप सबसे टॉप पे जाएंगे। यहां पे आपके सामने प्रिंट स्टूडेंट आईडी कार्ड का ऑप्शन आता है, उसी के साइड में आपका नया ऑप्शन हमने अपडेट किया प्रिंट स्टूडेंट एडमिट कार्ड का। प्रिंट स्टूडेंट एडमिट कार्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहां पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको एग्जाम जो लेना है वो किस डेट को लेना है और एग्जाम का टाइमिंग आपको क्या शेड्यूल करना है। तो आपने यहां पे एग्जाम का डेट और टाइमिंग शेड्यूल कर दिया, और जैसे आप एग्जाम का टाइम और डेट शेड्यूल करेंगे यहां पे तो आपके पास में वही टाइम और डेट आपके जो एडमिट कार्ड आप अपलोड करोगे मतलब डाउनलोड यहाँ पे जनरेट करोगे तो वो उस पर प्रिंट होके आएगा। तो जनरेट एडमिट कार्ड पे आपने क्लिक किया, जनरेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करते ही आपके पास में ये ऑप्शंस जितने भी आपने एडमिट कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किए थे उन सभी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे जितने अपने स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया था। अब किसी भी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको यहां से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के मतलब किसी भी स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड है, और अगर स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड को प्रिंट करना चाहता है तो अपने रोल नंबर को वो वेबसाइट्स के होम पेज पे जाके क्लिक करेगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन यहां पे आएगा। तो यहां पे अपना रोल नंबर डालने के बाद में क्लिक करेंगे यहां पे, और जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो उसको एडमिट कार्ड यहां पे शो हो जाएगा और अपना एडमिट कार्ड यहां से डाउनलोड कर सकता है। डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करते ही जैसे वो डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेगा उसके सामने जो उसका एडमिट कार्ड होगा वो शो हो जाएगा, जिसमें टाइम और डेट सब कुछ आपको जो सेंटर से डाउनलोड किया था वो सेम एडमिट कार्ड उसको यहां से मिलेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकता है, वो अपनी आईडी से लॉगिन करके भी डाउनलोड कर सकता है या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे अपना रोल नंबर डाल के भी अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकता है, जिसमें उसका एग्जाम का टाइम और डेट जो आपने सेंटर हेड ने शेड्यूल किया वो यहां पे शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से इमेक्स इंडिया आप सभी के लिए नए नए अपडेट लेके आता है। अगर आप कोई नया अपडेट चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे और वहां पे कॉन्टेक्ट अस के अंदर जाओगे, फीडबैक फॉर्म हमने दिया हुआ है, तो जो भी आप फीडबैक फॉर्म हमें देते हैं हम उस फीडबैक के ऊपर आपका काम करते हैं। तो आप अगर आपको कोई फीडबैक है जो आप चाहते हैं कि आपके ऑप्शन आपके पैनल में वो आपको मिले तो जरूर हमें फीडबैक दीजिए। इमेक्स इंडिया हमेशा आपकी फीडबैक पे काम करता है, हम जल्दी आपको नई फीडबैक के साथ मिलेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय इमेक्स।